इंतजार करती है। प्रभु पहुंचे हैं, बहुत स्वागत सत्कार किया है और यहां पर सबरी हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु मैं जाति से निम्न हूं, मैं भीलनी हूं, मैं भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तो राम जी ने भी कहा कि मैं भी भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, मैं भी सिर्फ भक्ति जानता हूं। और यहां नौ प्रकार की भक्ति के विषय में राम जी ने बताया है। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठदम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेउ नहीं देखिय पर दोसा, नवम सरल मोहि सब छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौ प्रकार की भक्ति के विषय में राम जी ने बताया है। नौ दा भक्ति मानस में आती है, भागवत में भी वेद व्यास जी नौ प्रकार की भक्ति का निरूपण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत की नौ भक्ति और रामचरित मानस की भी नौ दा भक्ति। और राम जी सबरी से कहते हैं कि माँ नवमहु एकौ जिन खे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। माँ यदि नौ में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आती है, कोई जरूरी नहीं कि नौ की नौ ही आ जाए, हम संसारी लोग हैं इतना सब नहीं कर सकते, तो नौ में से एक भक्ति भी यदि जीवन में आती है, नव महु एक जिनखे हो, ये मैं नहीं कहती, ये बाबा तुलसी कह रहे हैं, नारी पुरुष सचराचर कोई, फिर चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, वृद्ध हो वृद्धा हो, चर हो अचर हो, नौ में से एक भक्ति यदि किसी के जीवन में भी आती है तो उनका कल्याण हो जाता है। और राम जी ने कहा, माँ फिर मैं तो देख रहा हूं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। फिर तो मैं देख रहा हूं कि आपके भीतर नौ की नौ भक्तियां समाहित हैं, समाई हुई हैं, आप तो भक्ति मती हैं। नौ प्रकार की भक्ति के विषय में राम जी ने सबरी को समझाया है। मानस में नवदा भक्ति का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं और भक्ति के महत्व को बताते हैं। और भगवत प्राप्ति में ये भक्ति जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भक्ति के बिना तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति महारानी है, भक्ति ठाकुर जी की प्रेयसी है। जीवन में भक्ति का होना परम आवश्यक है, भक्ति करना चाहिए, भक्ति का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे भोजन करना जरूरी है शरीर के लिए, भोजन करने से शरीर में छह धातुएं बनती हैं, सात धातुएं, रस रक्त अस्थि मज्जा मेद मांस और वीर्य। भोजन शरीर के लिए परम आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए, हृदय के लिए, मन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए भक्ति परम आवश्यक है। इसलिए भक्ति करना चाहिए।
भक्ति के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि त्वं तु भक्ति प्रियातस्यो सततम् प्राणतोधिका त्वयाहु तस्तु भगवानो याति नीच ग्रहेष्वपि। भक्ति तुम मुझे बहुत प्रिय हो,